हम सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव के पास दो नहीं बल्कि तीन आंखें हैं। मान्यता के अनुसार वह तीसरी आंख का प्रयोग तब करते हैं जब सृष्टि का विनाश करना हो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे मिली थी? इसका रहस्य भी बड़ा ही गहरा है। यदि आप भी यह सब जानना चाहते हैं तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पृथ्वी पुरम पर। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मित्रों, महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि आखिर शिव जी को तीसरी आंख कैसे मिली थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान शिव तथा माता पार्वती के बीच हुई एक बातचीत के बारे में बताते हैं। इसी बातचीत में त्रिनेत्र का रहस्य छुपा हुआ है। नारद जी बताते हैं कि एक बार हिमालय पर भगवान शिव एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी जन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आँखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की दोनों आँखों को ढका, ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच चुकी थी। संसार की ये दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज को प्रकट कर लिया जो भगवान शिव की तीसरी आँख बनी। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उनसे कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार है। दोस्तों, भगवान शिव की ये आंख जब भी खुलती है तब अवश्य ही प्रलय आती है। हमारे धर्म पुराणों में भी महाविनाश के समय इनकी आंख के खुलने को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अवश्य ही जान गए होंगे कि आखिर भगवान शिव को तीसरी आंख मिली कैसे, अथवा उन्होंने स्वयं उसे प्रकट कैसे किया। और हाँ, इस वीडियो के प्रति अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने तथा आपका प्यार और समय हमें देने के लिए आपका दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।